जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंद्र पांडे पूर्व एनर्जी कमांडो भोजपुर फिज के एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान भोजपुर, नाम सुन के आप लोग घबराइए नहीं, भोजपुर फिजिकल एकेडमी हमारे संस्था का नाम है जो पूर्व में आरा में चलता था, आज भी एक इसका ब्रांच चल रहा है, लेकिन जो इसका हेड ऑफिस है वो पटना के गांधी मैदान में गेट नंबर 1 के पास हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी चलता है और गेट नंबर 8 के पास हमारा हॉस्टल है बॉयज का और गेट नंबर 7 के सामने वाले रोड में 1 किलोमीटर आगे में हमारी गर्ल्स का हॉस्टल। हम बात करेंगे कभी 21,391 एक बहुत बड़ा काम जोश लेके बच्चों के साथ आ रहा है, लेकिन वो बच्चे ध्यान दीजिएगा जो चोरी के भरोसे बैठे हुए। कोई भी बच्चा चोरी नहीं कर पाएगा, चूंकि वहाँ पर हमारे जो प्रशासन है, हमारा जो शासन है वो बहुत ही टाइट हो चुका है। जहाँ जहाँ सेंटर है उनको लग रहा था कि ये विवाद वाला सेंटर है, उन सेंटरों पर पुलिस बल का अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक कमेटी गठन कर दी गई है। उस कमेटी के तहत आपका पूरा एग्ज़ाम होगा, बहुत ही टाइट होगा। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, 1,07,000 बच्चों का रिजल्ट आना है। एससी कैटेगरी की लड़की होगी, 40 से लेकर 50 तक अगर स्कोर कर रही होगी लड़की पार्टी, कोई भी एससी से लेकर जनरल तक उनका रिजल्ट बन जाएगा। 50 से लेकर 60 तक जो लड़का रेगुलर स्कोर मार रहा होगा किसी भी सेट को उठा के, उसका रिजल्ट बन जाएगा। अब हम बात करेंगे, नकलचियों से सावधान रहिएगा और बिल्कुल ही अपना एकाग्रता बनाइएगा फिजिकल और रिटेन दोनों करने के। हमारे पास आते हैं, छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, गांधी मैदान के बिल्कुल बगल में है, यहाँ पर आइए। अभी बहुत ही लिमिटेड सीट खाली है, पहले आइए पहले पाइए। जो लड़कियों का छात्रावास है वहाँ से कोचिंग क्लास बिल्कुल नज़दीक है और हमारा गांधी मैदान भी वहाँ से नज़दीक है, यानी कि दोनों के मिड में। लड़कों से थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ जाता है 1.5 किलोमीटर का, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है क्लासेस। आपको अगर क्लासेस करना है तो ऑनलाइन कीजिएगा, ऑफलाइन करते हैं तो 1.5 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, क्लास भी उपलब्ध है, रनिंग की व्यवस्था उपलब्ध है, हाई जंप के लिए गद्दा वगैरह सारे चीज़ अवेलेबल है। आप देखिए दोनों तरह का गद्दा बना हुआ है ये हाई जंप के लिए। आइए, बिहार में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दरोगा का, कल से दरोगा का स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस के लिए अगर आप एकेडमी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ का पक्का देखिएगा, कल भर इंतजार कीजिए। सबसे ज़्यादा कल 8 बच्चे मेरे जा रहे हैं फिजिकल के लिए और 8 के 8 गेट पास लेके आएंगे। ये भोजपुर फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर चंदन हवलदार, चंदन पांडे का दावा है, वादा है, और इतना गेट पास आएगा कि गेट पास देखते देखते आप कम्युनिटी पोस्ट में थक जाइएगा, लेकिन हमारा गेट पास खत्म नहीं होगा। बाकी रह गया ऊपर वाले की मर्जी, जिस बच्चे ने जितना नंबर लाया होगा, लेकिन ये भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मेरिट कहीं बनेगा तो अब देख लीजिएगा, भोजपुर फिजिकल एकेडमी विथ मोबाइल नंबर जारी कर दूंगा। कोई एकेडमी जारी नहीं कर पाएगा, मैं विथ मोबाइल नंबर जारी करूँगा और दिखा दूंगा कि हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो करके ही मानता हूँ, अब कहता हूँ, करता हूँ और मानता हूँ तब तक जब तक ये हो नहीं जाता। आप मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि जब मेरिट बनेगा सबसे ज़्यादा भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि हम तैयारी पे ध्यान देते हैं और तैयारी करवाते हैं। बच्चे सारे बहुत सारे देख के आते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक एनएसजी कमांडो बैठा हुआ है, एनएसजी स्तंभ खड़ा हुआ है, ये देश का एक स्तंभ खड़ा। तो भैया मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर करता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आइए, आपका रिटेन प्लस फिजिकल, आप पढ़ने के मन से आइएगा और दौड़ने के मन से, चोरी के मन से मत आइएगा कि सर बुला रहे हैं, बाकी जगह पर बुलाया जाता होगा कि आइए हम चोरी भी करा देंगे और हवा हो जाएगा, हवा पानी गुम हो जाएगा, तो चोरी के भरोसे बैठे होंगे। जो मैंने पूर्व में स्कोर बताया, अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो फिजिकल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि तीन महीना लग गया दरोगा के लड़कों को फिजिकल निकालने में, तो आपको कितना लगेगा? उनको तो 6.5 में मारना है, आपको तो 6 मिनट मारना है, उनको तो 4 फीट फाड़ना है, आपको तो कम से कम 4 फाड़ना है, उनको तो 16 फीट गोला फेंकना है, आपको कम से कम 20 फीट फेंकना है। अब सही में अगर बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो बिहार पुलिस के लिए भी मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आइए, जो पूर्व में सबसे ज़्यादा अगर बिहार पुलिस का लेटेस्ट भी भर्ती देखा जाए 689, पूरा कोई भी एकेडमी अपना लिस्ट नहीं दिखा सकता। और मैं आपको विथ लिस्ट विथ मोबाइल नंबर दिखा दूंगा, 27 बच्चों का मेरिट केवल और केवल भोजपुर फिजिकल एकेडमी ने, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने मेरिट दिया था तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी ने दिया था। भोजपुर फिजिकल एकेडमी इसी के लिए माना गया, इसीलिए जाना गया। हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, आप 3 से 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, स्टडी मोड का जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रैक्टिस सेट पढ़िए, वहाँ का जो भी अभी ब्रह्मास्त्र 2 आया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। उसके बाद आपको उनका बहुत सारा 3,000 क्वेश्चन का सेट आया उसको पढ़िए, ज्ञान बिंदु रोशनानंद का 2 सेट आया है उसको पढ़िए, कौटिल्या से ले लीजिए, उसके बाद एक किरण पब्लिकेशन का आता है वो पढ़ लीजिए, और RWA
RWA रोजगार भी अंकित का आता है, उसको पढ़ लिया बहुत है इतना मेरे भाई, इतना याद कर लीजिए, दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा, रात को 2 से 3 घंटा पढ़िए मारदा महाराज। बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस तो पीछे पीछे निकलेगा, रिटर्न निकल जाएगा, अब बच जाएगा फिजिकल। फिजिकल उसी का होगा जो हिम्मती होगा, जो घुटने में मजबूत होगा, घुटने कलेजे से मजबूत होगा, उसी का फिजिकल होगा। आप सोचिएगा कि हम आके रिटर्न निकाल के फिजिकल कर लेंगे, तो यहीं पे मैं भी खड़ा हूँ और यहीं पे आप भी खड़े हैं। जो बच्चा पूर्व में कभी नहीं दौड़ा हो, पूर्व में कभी नहीं दौड़ा होगा, या अभी से उसका 5 साल का गैप या 3 साल का गैप हो गया होगा, वो बच्चा रनिंग में अगर चाहेगा कि रिटर्न निकाल कर हम पास हो जाएंगे, पास तो छोड़ दीजिए, गर्दनी के बाग के ग्राउंड में 3 चक्कर लगाना उसको मुश्किल होगा। तो आप भी चाहते हैं क्या कि बिहार पुलिस बनो? आप भी चाहती हैं क्या कि बिहार पुलिस बनना है? तो आइए ना, मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में आपका स्वागत है, आइए कराएंगे, बिल्कुल टनाटन कराएंगे। हमारे बहुत सारी बच्चियां जो 4 रन मारती हैं, स्कोर भी 60+ करती हैं, बहुत सारे लड़के जो 50+ स्कोर करते हैं और 5-20 डाउन मारते हैं, क्या नहीं नौकरी होगा जी? और दोनों काम कर रहे हैं तो आपका मन है क्या बिहार पुलिस में ज्वाइन करना? तो आइए, मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में आपका स्वागत है, हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है लड़का लड़की के लिए, दोनों के लिए। दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आना है तो जल्दी आइए। थैंक यू, जय हिंद।